बचपन को तो वहाँ बचपन में ही छोड़ा है, और बेहतर होगा कि तुम भी अब बड़ी हो जाओ। तुम्हें ये षड्यंत्र लग रहा है? इसे कहते हैं लॉटरी लगना। जहां तुम लोगों को दो वक्त के खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, और आज गहनों से लदी खड़ी हो, राजरानी बनी हो, और तुम्हें ये षड्यंत्र लग रहा है? और अगर लग भी रहा है ना, तो पहले जाके अपने पिता से पूछो, क्या उन्हें इस शादी की शर्त का नहीं पता था? ये दूर तक फैली जमीन देख रही हो, ये सब हमारे परिवार की है। और अगर इसका बंटवारा ना होने देने के लिए हमारी माँ ने हम सब भाइयों के लिए एक दुल्हन लाने की सोची, तो मैं उनकी सोच की दाद देना चाहूंगा। मेरी माँ कभी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करती। अगर वो चाहती तो जोर जबरदस्ती भी कर सकती थी, पर नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ काम करते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा, सब कुछ समझा कर फिर शादी करवाई। देखो झरना, आगे की जिंदगी कैसी देनी है ये तुम पर निर्भर करता है। चाहो तो हंस कर जियो या रो कर, लेकिन मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता, ना कभी टाला है और ना कभी टाला। ध्यान रखना।